सो दोस्तों, जैसे आपने मेरी पहली वीडियो में बैंकॉक की नाइट लाइफ देखी है, वियतनाम की नाइट लाइफ देखी है, मलेशिया की नाइट लाइफ देखी है, तो आज आपको मैं कंबोडिया की नाइट लाइफ दिखाने जा रहा हूँ। तो ये वहाँ की करेंसी है रॉयल। हमारा जो 100 रुपया है वहाँ के 5,303 रॉयल बनते हैं। और ये करेंसी की पिक्चर आप देख रहे हैं, नोट है जो, ये ई वीज़ा है और ऑन अराइवल वीज़ा भी बड़ी आराम से मिल जाता है। तो कंबोडिया आप थाईलैंड से बाई रोड भी जा सकते हैं और इंडिया से बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं। 10 बज चुके हैं, अभी मैंने बाइक ली है, बाइक टैक्सी बाइक ली है 136 रोड पर जाने के लिए। $1 लेते हैं, ये सब टुक टुक भी जाती है। तो आप बाइक या टुक टुक लेकर 136 जो स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट है यहाँ कंबोडिया की, वहाँ पहुँच सकते हैं। और बहुत इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ता है ये, यहाँ का करेंसी काफ़ी डाउन है। तो ये देखिए, ये 136 कॉर्नर, उसके टेरेस से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, इसलिए यहाँ पे आप आराम से बैठ के, ये सलून है यहाँ का। और ये देखिए रूट 136 कॉर्नर 136 और ऊपर का टेरेस है, टेरेस से बैठ के आप नीचे का व्यू बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं आराम से। यहाँ बैठकर कुछ आपको पिक्चर निकालनी है, वीडियो बनानी है, तो आप ऊपर से बैठकर काफ़ी हद तक रोड को कवर कर सकते हैं। आपको एक रोड से दूसरी रोड पर जाना है तो बहुत महंगा भी नहीं है। और यहाँ का ट्रैफिक बहुत गंदा है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ भी ट्रैफिक के रूल्स ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते, तो यहाँ कंबोडिया में भी लोग जो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, अक्सर जाम लग जाता है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे भी। तो ये देखिए ऊपर से, तो ये अभी मैं 51 स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ बाइक लेके। मतलब $1 से कम है। और यहाँ पे आप ऊपर से नीचे का व्यू देखते रहिए, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का क्या क्या ड्रामा चलता है नीचे। ये देखिए ये सब, ये देखिए ऊपर से आपको बहुत, ये देखिए बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा ऊपर से, किसी को पता भी नहीं आप वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल बात है यहाँ की बहुत। तो ये देखिए ऊपर से आपको सब दिखाई देगा, ये देखिए सबको पकड़ पकड़ कर वो खुद ही बात कर लेती हैं, बन गई तो ठीक है, नहीं तो चल दूसरा। ये देखिए कितनी सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स है ये। रात भर टुक टुक भी अच्छी कमाई कर लेती है क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ कंबोडिया में भी। अभी 3 बज गए हैं सुबह के, और ये गर्ल्स हैं जो कुछ अपने घर की तरफ निकल रही हैं। कैमे यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल यहाँ भाषा बोली जाती है वो है। यहाँ भी इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन काम चलाऊ चल जाती है। जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर नॉर्मली लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, अदरवाइज विलेज साइड में या नॉर्मल जो लोग हैं इतना नहीं जानते हैं इंग्लिश, अपनी लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज है वही बोलते हैं। तो अभी ये मोटर बाइक वाले भाई साहब अभी काफ़ी फास्ट चला रहे हैं क्योंकि रोड बिल्कुल खाली है। सुबह के हो गए, मैंने $1 टुक टुक को दिया है कैंडी बार जाने के लिए। यहाँ अभी थोड़ा रश है क्योंकि सुबह के 4:30 बज चुके हैं, तो बहुत सारे लोग अभी अपने अपने रूम में जा चुके हैं। काफी टाइम हो गया है, 5 बज चुके हैं दोस्तों। तो अभी बैक टू रूम, तो अपने रूम की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरा रूम आ गया है अभी, तो अपने रूम में जाकर अभी फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करना है, तो आप लोग भी रेस्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। अच्छी लगी या कैसी भी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों।